भाजपा की राष्ट्रीय उपाध्यक्ष और प्रदेश सरकार में कैबिनेट मंत्री बनने के बाद बेबी रानी मौर्य अपने गृह आगरा पहुंची तो पार्टी कार्यकर्ताओं द्वारा उनका जोरदार स्वागत किया गया। ढोल नगाड़ों के साथ बड़ी संख्या में पार्टी कार्यकर्ता और प्रशंसक फतेहाबाद के आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे टोल प्लाजा पर पहुंचे, जहां महिला कल्याण, बाल विकास और पुष्टाहार मंत्री ने बेबी रानी के पहुंचने पर फूलमालाओं से गर्मजोशी के साथ उनका स्वागत किया। कैबिनेट मंत्री बनने के बाद जब पहली बार बेबी रानी मौर्य आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे पर आई तो वहीं समर्थकों की लंबी कतार लग गई। बेबी रानी मौर्य अपनी गाड़ी से जैसे ही उतरी तो समर्थकों ने नारेबाजी की और माला व पटका पहनाकर और बुके देकर उनका जोरदार स्वागत किया। जब बेबी रानी मौर्य मंत्री पद की शपथ ले रही थी उसी के बाद से ही समर्थकों में काफी उत्साह बना हुआ था। बेबी रानी मौर्य आगरा जल्द से जल्द आए जिससे कि सभी कार्यकर्ता जोरदार स्वागत कर सकें। आपको बता दें कि बेबी रानी मौर्य ने विधानसभा चुनाव 2022 में ग्रामीण विधानसभा से भारी बहुमत से जीत हासिल कर विधानसभा में पहुंची हैं। तो वहीं उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने उन्हें अपने मंत्रिमंडल में कैबिनेट मंत्री बनाया है। इसको लेकर ताज नगरी के लोगों में काफी उत्साह है। प्रातः दर्पण न्यूज के लिए आगरा से सज्जन सागर की रिपोर्ट।